किचन का हो गया है कंप्लीट, ऊपर का अच्छा लग रहा है। सफाई करते की वो भी कैसा लग रहा है भैया आपको पेंट करके? बढ़िया लग रहा है। आपका मनपसंद काम है ये? कैसे इधर देख के बोलो, मन पसंद है? हाँ, पसंद है। बचपन से यही करना चाहते थे आप? क्या करना चाहते थे? चलो कोई बात नहीं, गलत नहीं है, बहुत मेहनत करते हो आप, बहुत अच्छा पेंट कर रहे हो। हमारा सारा घर चमका दिया भैया ने पेंट करके। होगा फिर आपके फैमिली वाले भी देखेंगे ना। हाँ ठीक है ना, डाल दूँ? डाल दो इसकी। हाँ राम राम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल विलेज लाइफ इन हरियाणा विद मीनाक्षी में। अब हो गई है रात और आज है वेनसडे और मुझे बनानी थी खाटे की सब्जी जो मम्मी लेकर आई थी। ये उबाल भी ली है, सुबह ही उबाल ली थी, लेकिन अब पापा भी नहीं है, बारात में गए और पीयूष के पापा भी नौते पे गए हैं, तो हम बनाएंगे खिचड़ी मूंग और चावल की। रोटी सब्जी नहीं बनाएंगे, खट्टे की सब्जी बनाऊंगी अब सुबह कल। और दो तीन दिन से व्लॉग चलता आ रहा है क्योंकि घर में पेंट का काम हो रहा है ना, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रही मैं। थोड़ी थोड़ी शूट की थी मैंने, तो जैसे भी हो लाइक कर देना। तो मैं अब इसको डाल के रखूंगी, और कुकर में बनाऊंगी खिचड़ी। वैसे तो सबको आती है खिचड़ी बनानी, पर फिर भी मैं रेसिपी शेयर कर देती हूँ। मैं बनाऊंगी छौंके, घी, जीरा और टमाटर डाल के, हरी मिर्च भी डाल लूँगी और ज़्यादा कुछ नहीं डाल लूँगी, बस इतना ही छौंक लगाऊंगी। नीचे अभी पेंट का काम पूरा हुआ नहीं है, छौंक लगा दिया है खिचड़ी में। तो मैंने छौंक लगा दिया है खिचड़ी में, जब तक ये बनती है तब तक बर्तन वॉश कर लूंगी और बाट चढ़ा रखे गाय की, वो बन गई है शायद, भैंस की चढ़ाऊंगी अब। थोड़ी सी है अभी, तो मुझे करनी थी बात इंस्टाग्राम के बारे में। मैंने तो यूं ही वीडियो डाल दी थी इंस्टाग्राम पे, लेकिन वायरल हो गई मेरे
11,000 से भी ज्यादा फॉलोवर हो गए पिछले 1.5 महीने में। लोग बाग चलाते हैं, कई कई सालों में नहीं हो पाते हैं, मतलब 2-3 सालों से जो भी आसपास में मैंने पूछा है सबके 100-150 फॉलोवर है, तो मेरे ही हो गए। अब देखते हैं आगे क्या होता है, तो YouTube पे भी जल्दी से हो जाए तो अच्छा है। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि मुझे Instagram ज़्यादा चलाना नहीं आता, फॉलोवर तो बढ़ गए हैं पर चलाना भी नहीं आता इतना, और कोई मिल नहीं रहा चलाने के लिए, बताने के लिए। तो देखते हैं अब क्या होता है आगे। ठीक है, खिचड़ी हमारी हो गई है बन के तैयार, ये रही अब खाते हैं।